हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल चुका है। हाँ भाई, वेनस का इंटरनल फिल्टर, इसमें खास क्या है? आप लोग को बहुत जन को पता ही होगा इंटरनल फिल्टर के बारे में, बट आप लोग को क्या ये पता है कौन सा इंटरनल फिल्टर बेस्ट हो सकता है आप लोग के एक्वेरियम के लिए? क्योंकि इंटरनल फिल्टर बहुत सारा ब्रांड का मार्केट पे मिलता है, बट उसमें बहुत सारा ऐसा चीज रहता है जो आप लोग को पता ही नहीं रहता है, आप लोग खरीद लेते हैं और खराब हो जाता है। बट आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वेनस का यहाँ पर पावर फिल्टर या फिर इंटरनल फिल्टर बोल सकते हो। नॉर्मली दुकान पे अगर खरीदने जाते हो तो इंटरनल फिल्टर और पावर फिल्टर ही इसका कॉमन नेम होता है, बट ये वेनस का अलग क्यों होता है, नॉर्मल जितना सारा मार्केट पे मिलता है उससे अलग क्यों होता है, आगे चल के आप लोग को वीडियो पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू दूंगा। यहाँ पर बहुत सारा पीछे स्पेसिफिकेशन बॉक्स के बाहर लिखा रहता है, आप लोग को वीडियो को पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो आगे चल के वीडियो पे मैं सब कुछ डिटेल में खोल के बताऊंगा। उससे पहले आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में आरवाना का डाला था, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दिए हो। अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना। उस वीडियो पे मैं एक चैलेंज लिया हूँ, 2 इंच का आरवाना को मैं 2 फीट तक बनाऊंगा, तो आई थिंक उस चैलेंज में मैं खरा उतरूंगा, क्यों आगे चल के वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आज का टॉपिक पे मैं रिटर्न आता हूँ, आज आप लोग को मैं बेस्ट इंटरनल फिल्टर के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो पे बने रहो, आप लोग को पता चल जाएगा मैं इसको बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, एक्वेरियम हॉबिस्ट हो, पेट लवर हो, फ्लावर ऑन लवर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। और अगर आप लोग को वीडियो पे कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग का हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेके आता है। लास्ट वीडियो तो आप लोग फार के रख दिए हो, 100 लाइक का टारगेट रखा था तो आप लोग 150 क्रॉस कर चुका है, तो इस वीडियो पे भी 100 लाइक का ही टारगेट रख रहा हूँ, आई थिंक आप लोग फुलफिल कर दोगे। तो भाई, आज का जो टॉपिक है वेनस का इंटरनल फिल्टर, ये अलग क्यों है बाकी फिल्टर से? वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये सबको पता है इंटरनल फिल्टर होता क्या है, एक किस तरीके से काम करता है। फिर भी मैं छोटा करके इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूंगा, बट उससे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इंटरनल फिल्टर खरीदने से पहले आप लोग को 2 चीज़ का ध्यान रखना है। 1, आप लोग का टैंक साइज क्या है। 2, कौन सा ब्रांड का इंटरनल फिल्टर खरीद रहे हो। तो यहाँ पर मैं 15 वॉट का इंटरनल फिल्टर खरीदा हूँ मेरा 1.5 फीट के टैंक के लिए। अगर आप लोग के पास 1.5 फीट 2 फीट का टैंक है तो 15 वॉट का काम चल जाएगा, बट उससे अगर बड़ा लोगे, मतलब वॉटेज ज़्यादा लोगे, तो टैंक भी बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो उल्टा हो जाएगा, फिल्ट्रेशन काम जल्दी नहीं करेगा, उल्टा पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको जैसे हम मैं ओपन वगैरह करके मैं सब कुछ आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस तरीके से सभी जितना सारा मार्केट पे अवेलेबल है टॉप, जो पावर फिल्टर बोलो या फिर इंटरनल फिल्टर बोलो, सभी के अंदर ये सब कुछ चीज़ रहता है। बट मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये पावर फिल्टर या इंटरनल फिल्टर पे बाकी नॉर्मल जो जो फिल्टर मिलता है, इसमें जो अंदर पे जो वायरिंग रहता है ना, जो अंदर पे जो मोटर रहता है जो काम करता है, मैग्नेटिक जो अंदर से काम करता है, वो कॉपर वायरिंग रहता है। तो कॉपर वायरिंग रहने के कारण अंदर पे जो लॉन्गजिविटी है, इसका जो चलने का जो लॉन्गजिविटी है, वो बढ़ जाता है बाकी जो इंटरनल फिल्टर मार्केट पे मिलता है। अभी आप लोग बोलोगे कि सोबो का भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई, सोबो का और वेनस का अगर आप लोग खरीद रहे हो तो मैं सोबो का भी, अगर आप लोग रिव्यू चाहते हो नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बट सोबो का और वेनस का मुझे जो ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वेनस पे आप लोग को जो अटैचमेंट वगैरह मिलता है, जो कंटेनर वगैरह मिलता है, वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है। और सोबो में और वेनस में डिफरेंस क्या है वो मैं आगे चल के डिफरेंट एक वीडियो पे बताऊंगा, बट इस वीडियो पे मैं आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे एक कॉन्टेनर मिलता है, कॉन्टेनर के अंदर आप लोग को फ्री में ही वो लोग प्रोवाइड कर देता है, एक स्पॉन्ज दे देता है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट टैंक के अंदर। बट आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना यूज़ करने से पहले, उसके बाद टैंक के अंदर डालना, खरीद के ही टैंक के अंदर मत डाल देना। और अगर पॉसिबल होता है 2-3 चीज़ ऐड कर लेना, थोड़ा सेरामिक रिंग्स ऐड कर लेना, फिल्टर मीडिया जो होता है वो ऐड कर लेना, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। बट इंटरनल फिल्टर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ मैं बताया हूँ, जो वॉटेज आप लोग को लेना है, अगर आप लोग को पता नहीं है कमेंट करके पूछ लेना मुझे, वॉटेज सही खरीदो। छोटा फिल्टर मतलब लोगे, छोटा वॉटेज लोगे तो टैंक का साइज छोटा, बड़ा लोगे तो भाई टैंक का साइज बड़ा। ये गलती कभी भी मत करना कि छोटा टैंक के अंदर बड़ा वॉटेज का फिल्टर लगा दिए हो, जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, उससे फिश मर जाएगा, क्योंकि पानी पे ज्यादा हलचल होने के कारण फिश को प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो वो चीज आप लोग को ध्यान रखने वाला चीज है। बट जो चीज मैं अभी मेंशन किया हूं आप लोग को, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग
यहाँ पर जो एयर जो नोजल आप लोग के पास अगर फ्लावर ऑन है तो यहाँ पर जो एयर नोजल यहाँ पर लगा रहता है, जो एयर बबल्स अंदर जाता है उसको आप लोग ऑन मत कीजिए। अगर आप लोग के पास ऑस्कर पैरट या दूसरा कोई मछली है तो वहाँ पर आप लोग एयर बबल को ऑन रखिए, बट अगर आप लोग एक फ्लावर ऑन लवर हो तो भाई इसको बंद रखो, इससे आप लोग का फ्लावर ऑन का स्ट्रेस कम रहेगा। बट इसको आप लोग बेझिझक यूज़ करो। मुझे बहुत कोई पूछ रहा था कि सस्ते प्राइस में भाई पावर फिल्टर इंटरनल फिल्टर कौन सा हो सकता है, ये फिल्टर आप लोग खरीद लो। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ सस्ते प्राइस में अच्छा खासा फिल्ट्रेशन आप लोग को मिल जाएगा। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे आप लोग फिल्टर मीडिया यूज़ कर दोगे मतलब इसके अंदर डाल दोगे, वो जो फिल्टर मीडिया आप लोग डालोगे उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना भाई, क्योंकि अगर फिल्टर मीडिया क्लीन नहीं रहेगा तो फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसको बाद में एक नया वीडियो मैं लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइड में ऑलरेडी अटैचमेंट दिया हुआ है जो एयर बबल आता है उसको बंद करने के लिए। इसके लिए मैं बोल रहा था वेनस अच्छा है, सोबो में कभी कभी वो सब अटैचमेंट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर वो चीज़ स्पेशल है। बट आप लोग को जो चीज़ मैं बताया हूँ, अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो नीचे मुझे कमेंट करके बताना, एक DIY वीडियो लेके आऊँगा उसमें फिल्ट्रेशन डबल काम करेगा एक ही फिल्टर के थ्रू, यही जो इंटरनल फिल्टर है इसको ही डबल काम करवा सकते हो, किस तरीके से वो सेपरेट वीडियो में मैं बताऊँगा। बट इस वीडियो पे मैं जो बोल रहा था दो चीज़ ध्यान रखने वाला चीज़ है, एक वॉटेज का ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ और सेकेंड जो टैंक साइज है वो, तो टैंक साइज और वॉटेज एच यूज अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोग को इसमें बेस्ट फिल्ट्रेशन मिल सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फिल्टर आप लोग लगाते हो ना एकदम कॉर्नर पे लगाना, अगर आप लोग कॉर्नर पे लगाओगे तो टैंक पे वाटर सर्कुलेट अच्छे तरीके से होगा, अगर बीच में लगा दोगे नीचे लगा दोगे तो वाटर सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है, फिर स्ट्रेस में चला जाता है। ये जो नॉब आप लोग को बोल रहा था ये एयर बबल बंद करने का नॉब है, ये वेनस पे आप लोग को फ्री में ही मिलता है, मे बी सोबो पे अभी देता है मुझे पता नहीं है, पहले नहीं देता था। तो यहाँ पर नीचे जो कंटेनर भी है, कंटेनर का भी जो क्वालिटी है अच्छा है, सोबो से बेटर नहीं बोलूंगा बट फिर भी अच्छा है। तो मेरे तरफ से फुल्ली थम्स अप है। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो आप लोग को 200 रुपये पे ही मिल जाएगा नॉर्मल एक्वेरियम शॉप पे, ऑनलाइन लोगे थोड़ा डिलीवरी चार्ज ज़्यादा वगैरह लेगा तो 200-250 के आसपास आप लोग को मिल जाएगा, अमेजन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप लोग कहीं से भी खरीद सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो पे नया कुछ सीखने को मिला है तो भाई प्लीज़ लाइक का टारगेट फुलफिल कर देना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो दो पॉइंट बताया हूँ उसको ध्यान रखना और फिश को हैप्पी रखना, मतलब जितना अच्छा वाटर क्रिस्टल क्लियर रहेगा फिश उतना हेल्दी रहेगा, ये आप लोग को ध्यान रखने वाला चीज़ है। और इसमें आप लोग पीछे देख सकते हो ये साकर वगैरह रहता है, इसको आप लोग को सिंपल डाल के टैंक के अंदर प्रेस कर देना, लॉक हो जाएगा, बहुत ईजी सेटअप है, बहुत जन को पता होता है। और फिश से मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो एयर बबल का है ये आप लोग तभी यूज़ करना अगर आप लोग के पास फ्लावर ऑन नहीं है, गोल्ड फिश अरवाना या फिर आप लोग के पास एंजेल मॉली जो भी डिफरेंट कैटेगरीज का फिश है, सिक्लिट कैटेगरी का फिश है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो भाई यूज़ मत करना क्योंकि फ्लावर ऑन स्ट्रेस में जाता है एयर बबल्स जब थ्रो होता है। अगर फ्लावर ऑन को एयर बबल देना है तो नॉर्मल एयर पंप यूज़ करो एयर स्टोन डाल के। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स था मैं आप लोग को बता दिया हूँ, आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया है। तो अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आप लोग को फिश रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल का नेम इंस्टाग्राम का नेम सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, चलो भाई टाटा।